भक्ति पावना दिल विच तारी मैं अपना आप बिता के बोली मां तो उल बख्शानी मैं अपना शीस झुका मनावन चलिया नी मैं माई नू मनावन चलिया नी मैं माई नू मनावन चलिया नी मैं माई नू मनावन चलिया लै सतरा दिया फुल कलिया लै सतरा दिया फुल कलिया नी माई नू मनावन नी माई नू मनावन माई नू मनावन चलिया नी मैं माई नू मनावन चलिया लै सतरा दिया फुल कलिया लै सतरा दिया फुल कलिया नी माई नू मनावन नी माई नू मनावन नी माई नू मनावन चलिया नी मैं माई नू मनावन चलिया मैं
माई मनावन चलिया नी मैं माई मनावन चलिया मैया दे दवारे असी जाना सानू
गा रहे थे चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, पड़ोस में रहते थे मिस्टर सुब्रमण्यम, भागे हुए पड़ोसियों के घर गए, कहने लगे ये सारी रात चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ये काहे की चिट्ठी आई है। पड़ोसियों ने कहा सुब्रमण्यम ये चिट्ठी माँ के दरबार से आती है, जब मन करे कि उड़ के माँ के दरबार पहुँच जाए हम समझ लेते हैं ये माँ के दर का बुलावा है। वो बोला ऐसा ये चिट्ठी तो मुझे भी आई है, आप लोग जा रहे हो मुझे भी दरबार ले चलो। पड़ोसियों को क्या इतराज़ हो सकता था, सुब्रमण्यम चल दिए, जम्मू पहुँचे, जम्मू से टैक्सी पकड़ी, कटरे आए, कटरे से आगे पैदल यात्रा शुरू हुई। पड़ोसी दूर चले गए, सुब्रमण्यम वहीं रह गए। उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने एक छोटी सी कन्या का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बेटे ये बताओ आप यहाँ पहली बार आए हो। लड़की ने कहा नहीं अंकल हम तो साल में 4 बार आते हैं, जब हमें छुट्टियाँ होती हैं मम्मी पापा के साथ हम यहीं आ जाते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा तो बेटा आप ऊपर कैसे जाते हो। बच्ची ने कहा अंकल जाना कैसे है, भागते हुए जाते हैं भागते हुए आ जाते हैं। सुब्रमण्यम ने उस कन्या के पाँव पकड़ लिए, कन्या कहने लगी छी छी अंकल क्या करते हो मेरे पाँव को हाथ लगाते हो। सुब्रमण्यम ने कहा मैं तेरे पाँव को हाथ नहीं लगा रहा, मैं तो उन पाँव को चूम रहा हूँ जो माँ के दरबार होके आए हैं। मुझे बताओ मैं मद्रास से चल के यहाँ तक आ गया हूँ, आगे जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं आगे कैसे जाऊँ मैं दर्शन कैसे पाऊँ। बच्ची ने कहा रोते क्यों अंकल ये मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो, दर्शन करने हैं ना। सुब्रमण्यम ने कहा हाँ। तो बच्ची ने कहा हंसता मुस्कांदा जा तू नाम से आता जा, हंसता मुस्कांदा जा तू नाम से आता जा, हंसता मुस्कांदा जा तू नाम से आंदा जा। थोड़ी दूर चले सुब्रमण्यम, बच्ची से कहने लगे बेटा ये बताओ वो पहाड़ की चोटी पर क्या है। बच्ची ने कहा अंकल आप दरबार आए हो आप ये भी नहीं जानते, मैं बताती हूँ। पर्वत की चोटी पे एक गुफा निराली है, उस गुफा के बीच बैठी माँ शेरावाली है, कहने लगे बेटा ये बताओ यहां मैं पहली बार आया हूं ऊपर जाके मैं करूंगा क्या। बच्ची ने कहा अंकल आपने क्या करना है, जो करना है शेर नहीं करना है। सुब्रमण्यम डर गए, कहने लगे बेटा ऊपर शेर भी है। बच्ची ने कहा अंकल आप मेरा मतलब नहीं समझे, हमारे स्कूल में टीचर ने हमसे एक दिन पूछा बच्चों अगर आप जंगल में जा रहे हो आगे से शेर आ जाए तो आप लोग क्या करोगे। बच्चों ने जवाब दिया मास्टर जी अगर हम जंगल में जा रहे हो आगे से शेर आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, जो करना है शेर ने ही करना है। अंकल आप ऊपर चलो, जो करेगी शेरावाली करेगी, आप तो बस दरबार देश जाके तू दुखड़े सुना देवी, अपना सिर दाती दे चरना चुका देवी, चमक दे पे
माले तारे चमक दे चमक दे पे चुल रहे तारे चमक दे पे चमक दे पे चल पुकार।